फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब कई राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अब अनिवार्य कर दिया है। पिछले एक हफ्ते में करीबन 85% मामले इन्हीं 5 राज्यों से मिलने की वजह से दिल्ली सरकार की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया। वहीं कोरोना महामारी के अब कुछ कम होते मामलों के बीच अब वायरस के नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब पैर पसारता दिख रहा है और अब यह आशंका जताई जा रही है कि देश में कोरोना का यह नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कृषि कानून को लेकर चल रहे किसानों के आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए संसद को घेराव को लेकर चेताया और कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद पर इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात को भीषण हादसा हुआ। दरअसल टायर फटने से अनियंत्रित टैंकर ने नोएडा से मथुरा की ओर जा रही इनोवा कार को मारी टक्कर, जिसके बाद इस हादसे में मौके पर ही एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बजट पेश किया। बता दें कि अशोक गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का यह 3रा बजट रहा। वहीं इस बजट में स्पेशल कोविड पैकेज का ऐलान किया गया। इसी के साथ गहलोत सरकार की तरफ से कोरोना से प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया गया। याद दिला दें कि हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी अपना बजट पेश किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।